चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ मेटल एरोप्लेन हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ इट्स विंग्स इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर एट अ प्लेस ऑफ फ्लाइट। द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 4×10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। द इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ इट्स विंग्स विल बी। जैसे एक रॉड है, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी लेंथ है एल और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इनवर्ड है, तो इसमें जो ईएमएफ इन दोनों टर्मिनल ए और बी पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वैल्यू होती है बी एल वी। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रॉड, ठीक है, जिसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। अब एरोप्लेन भी उसका जो विंग्स हैं, मान लो ये एरोप्लेन के विंग्स हैं, वो है 50 मीटर, यानी एल की वैल्यू हो गई 50 मीटर, और वो चल रहा है किस स्पीड से? 360 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20, ये हो जाएगा v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। अच्छा, एंगल ऑफ डिप जो है वो 30 डिग्री है, तो मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच, और ये थीटा, थीटा है 30 डिग्री, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। तो जब कोई एरोप्लेन मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, तो उसको वर्टिकल कंपोनेंट कट करता है बी वी, यानी बी ई साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी ई कॉस थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही कट करेगा। तो जो यहाँ पर E इज इक्वल टू बी एल वी है, तो ई एम एफ की वैल्यू बी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इंटू लेंथ ऑफ द दोनों एजेस का इंटू वेलोसिटी। तो बी वी की वैल्यू कितनी होगी? तो बी वी की वैल्यू होगी बी ई साइन 30 डिग्री। बी ई की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में? 4×10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2×10⁻⁵ हुआ बी वी की वैल्यू, 2×10⁻⁵ -5। लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड ना कहके लेंथ ऑफ द विंग्स का जो एजेस है वो है 50 मीटर का, वेलोसिटी कितनी है 100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जरा देखो, तो 20 10 30, तो ये -5 है, तो हो जाएगा 10⁻⁻², और 5×2 10, ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻¹, यानी 0.1 वोल्ट EMF या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कितना? 0.1 वोल्ट, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।